भांग की खेती को हिमाचल प्रदेश में लीगलाइज करने के लिए पिछले विधानसभा सत्र में जो है एक प्रस्ताव पूरन ठाकुर जी लेकर आए थे। उस प्रस्ताव में पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया था और उस समर्थन को देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो है सरकार से एक कमेटी इस बारे में गठन करने का जो है सिफारिश की थी और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस सिफारिश को मानकर जो है एक सर्वदलीय कमेटी का गठन किया जिसमें मुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये कमेटी जो हमारी सर्वदलीय कमेटी थी इसने न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य खासकर उत्तराखंड जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में भी भ्रमण करके वहाँ पर भांग की खेती किस तरह से की जा रही है, किस तरह से वहाँ पर जो है उत्पाद को जो है अन्य जो है वहाँ पर इसके द्वारा दवाइयाँ बनाई जा रही है, इन सारे बातों पर गहन विचार किया। और हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जाकर पंचायती राज संस्थाओं के हमारे जिला परिषद से लेके प्रधानों तक इन सबसे हमने जब विचार विमर्श करके एक सहमति बनी कि ये जो भांग की खेती है हिमाचल की आर्थिकी के लिए भी फायदे में है और किसानों की आर्थिकी के लिए भी फायदे में है, तब हमारी कमेटी ने सिफारिश सरकार से की कि इसका जो है खेती हिमाचल प्रदेश में किया जाना चाहिए और सरकार ने इसको जो है विधानसभा के पटल पर ले कर दिया और उसी के बारे में आज हमने जो अपना वक्तव्य दिया। सिफारिश की है कि वैध होनी चाहिए इसका जो है औषधि इस्तेमाल होना चाहिए। हमने जो सिफारिश की है उसमें इंडस्ट्रियल यानी कि आपके औद्योगिक उसके लिए भी और साथ में औषधीय गुणों के लिए मेडिकल उसके लिए दोनों के लिए सिफारिश की है। और एनडीपीएस एक्ट में आपने कहा कि इसमें प्रावधान है कि संशोधन किया जा सकता है, इसको वैध किया जा सकता है। हाँ, एनडीपीएस एक्ट में जो है राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है कि वो चाहे तो एनडीपीएस एक्ट के संशोधन करके अपने इलाकों में इसकी खेती को लीगलाइज कर सकते हैं। सर, अभी राज्यों का दौरा तो आपने कर दिया है, अब अन्य देश जो इसको कर रहे हैं खेती कौन कौन से देश हैं सर, कौन से देशों में आपको देशों की अगर हम बात करें तो यूएसए में, कनाडा में और जो हमारे जो ये जो मलेशिया है, इंडोनेशिया वगैरह है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में जो है इसको जो है इसकी खेती की जा रही है, कई जगह पे तो जो है टोटली लीगलाइज भी कर दिया गया। नेगी जी, आपने